चलें जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्लास। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के एडवांस टॉपिक्स में इसका शुमार होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान भी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक पढ़ रहे हैं रिलेटिव आपको नजर आएंगी, लेकिन ट्रू फ्लेवर ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आपको पता चलेगा कि आगे चल के आप इसमें रिसर्च डायरेक्शंस रीड कर सकते हैं, बहुत कुछ आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आप एमएस करते हैं तो आप इसके एडवांस डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन कम से कम बेसिक नो हाउ हमें होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बेसिक सवाल कुछ डाउन ऑटोमेटा से पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतनी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको जरूरी हो, लेकिन बेसिक्स भी अगर आपको इस स्टेज पर पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, इससे पहले कि हम पुश डाउन ऑटोमेटा को डिस्कस करें, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये याद करें कि हमारे पास लैंग्वेजेस किस किस तरह की है। कोई रिवाइज करेगा कि अभी तक आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में बेसिक्स क्या जानते हैं लैंग्वेज के बारे में? अभी तक जितनी हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ी है, अगर उसको दो तीन जुमलों के अंदर हम निचोड़ लें तो आप मुझे समराइज करके बता सकते हैं कि आप इस वक्त थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है, आज डेवलप हुई आपकी, कि लैंग्वेजेस को आप किस तरह देख रहे हैं? धीरज, नादिर, जी मैम, रिजवान, लैंग्वेज हमें ये पढ़ा है कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तरीके पढ़े हैं, जैसे हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसके बाद हमने फिर ऑटोमेटा वो पढ़े, फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन ग्राफ, ये चीज़ें लैंग्वेज के लिए सिर्फ उसको लैंग्वेज डिफाइन को करने के रिप्रेजेंट लिए, करने के लिए और रिकर्सिव डेफिनेशंस भी पढ़ी थी कुछ। रिकर्सिव डेफिनेशंस भी पढ़ी। लैंग्वेजेस को हम रिप्रेजेंट करने के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत हद तक हमारी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का जो फोकस रहा है वो लैंग्वेजेस के ऊपर रहा है। तो अब हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि लैंग्वेजेस हमारे पास मुख्तलिफ तरह की है, सारी लैंग्वेज दुनिया की एक जैसी नहीं है। हमारे पास लैंग्वेजेस जो है वो डिफरेंट नेचर की है, और कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से, ऑटोमेटा के पर्सपेक्टिव से देखें तो लैंग्वेज की एक बहुत बेसिक शक्ल जो जिसको हम कहते हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस होती है। रेगुलर लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो सकती हैं, साथ में फाइनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट हो सकती हैं। कुछ लोगों को आसान लगता है, अच्छा लगता है कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरेट करते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं लैंग्वेजेस को, जबकि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि उनको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी लगती है और वो रेगुलर एक्सप्रेशन की निस्बत फाइनाइट ऑटोमेटा को तरजीह देते हैं। लेकिन ये दोनों ऑप्शन हमारे पास कब है, रेगुलर एक्सप्रेशन का और फाइनाइट ऑटोमेटा का? उस वक्त की जब हमारे पास लैंग्वेज रेगुलर है। लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारे पास सारी लैंग्वेजेस रेगुलर नहीं होती, हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप ऐसी लैंग्वेजेस का भी है जो लैंग्वेजेस एक्चुअली क्या होती हैं, नॉन रेगुलर। ठीक है, अब नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जो होती हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? सबसे पहले स्लाइड को देखते हैं कि हमें पता है कि कुछ लैंग्वेजेस होती हैं रेगुलर लैंग्वेजेस, सम लैंग्वेजेस आर रेगुलर लैंग्वेजेस। रेगुलर लैंग्वेजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन एंड देयर इज एटलीस्ट वन मशीन दैट कैन एक्सेप्ट दैट रेगुलर लैंग्वेज। ये हमें पता है, बिल्कुल इसी से रिलेट कर लें कॉन्सेप्ट को। आते जा रहे हैं अभी आप लोग, इसी से रिलेटिव है ये बात कि कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो नॉन रेगुलर होती हैं। जैसे कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की एग्जांपल हमने देखी है लास्ट क्लासेस में, कोई बताएगा नॉन रेगुलर लैंग्वेज कौन सी होती है? कोई एक एग्जांपल से बात करें। वो अरिथमेटिक वाला आपने पूछा कौन था, सी? और इक्वल नंबर ऑफ वो इक्वल एबीज। नंबर ऑफ एज एंड बीज, बिल्कुल ठीक है, ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब ये नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जो होती हैं किससे रिप्रेजेंट हो सकती हैं? अगर मुझे नॉन रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है रेगुलर एक्सप्रेशन तो मैं लिख नहीं सकती, तो मैं क्या लिखूं? सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखूंगी, बिल्कुल सही। तो जब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं तो इसको आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं रेगुलर लैंग्वेज के केस में, जो काम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज के केस में जो काम रेगुलर एक्सप्रेशन करती थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के केस में वही काम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर करती है। तो जब हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एफए होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा,
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मशीन ना हो जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सके। तो हमारे पास एक अदद ऐसी मशीन भी एग्जिस्ट करती है जो मशीन नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकती है, और उस मशीन को हम क्या कहते हैं, उस मशीन को हम कहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा बिल्कुल एफए की ही टाइप है, एफए की तरह की ही चीज है, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। बट उस एब्स्ट्रैक्ट मशीन का फीचर क्या है कि वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा एक ऐसी मशीन है जो रिकॉग्नाइज कर सकती है नॉन रेगुलर लैंग्वेज को, ये बात हम डिस्कस कर सके। अच्छा, पुश डाउन ऑटोमेटा टाइप है फाइनाइट ऑटोमेटा की, जो एफए होता है बिल्कुल एफए की ही एक टाइप है, लेकिन एडवांस टाइप है, एफए से बहुत बेहतर शक्ल है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक होता है सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर और एक होता है सर्जन। एमबीबीएस डॉक्टर के अंदर और सर्जन के अंदर क्या फर्क होता है? सर्जन डॉक्टर भी होता है, एमबीबीएस ऑलरेडी वो एमबीबीएस डॉक्टर होता है। अगर वो सर्जन है बिल्कुल सही, तो वो एमबीबीएस डॉक्टर भी होगा, लेकिन डॉक्टर सर्जन नहीं होता। हाँ ठीक है, वो एक एमबीबीएस होता है डेफिनेटली अगर सर्जन है, लेकिन वो कैसे डिफरेंट है एमबीबीएस डॉक्टर से? कुछ ऐसे स्किल होते हैं ऐसे कि जो एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं होंगे, लेकिन वो सर्जन के पास होंगे, कुछ डेफिनेटली ऐसे स्किल जरूर होंगे। इसी तरह हमारा जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो फाइनाइट ऑटोमेटा है। फाइनाइट ऑटोमेटा वाली सारी चीजें पुश डाउन ऑटोमेटा के पास होती है, लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा के पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती है, वो एडवांस वर्जन है। अब एडवांस क्या, सबसे पहले एडवांस चीज तो ये, आगे तो आप इसकी वर्किंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्यों एडवांस है, क्योंकि इसके पास मेमोरी होती है। हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा के पास एक्चुअली सिर्फ प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी है और मेमोरी नहीं है, लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर ग्राफिकल स्ट्रक्चर, उसके अंदर फाइनाइट ऑटोमेटा वाली सारी चीजें, साथ में मेमोरी भी है। और मेमोरी के नाम पर हमारे पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर क्या होता है, स्टैक। तो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा कंप्लीट नहीं होता विदाउट स्टैक, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्लीन्स थ्योरम में ये बात पढ़ी थी कि हर रेगुलर लैंग्वेज जो है वो इक्वलेंट होती है एक रेगुलर एक्सप्रेशन के, और हर रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वलेंट होती है एक एफए के। तो इस बात को हम यहाँ पर भी रिलेट कर सकते हैं कि हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो इक्वलेंट होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के, और हर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इक्वलेंट होता है पुश डाउन ऑटोमेटा। तो ये बिल्कुल वही वाली रिलेशनशिप है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ये शक्ल होती है पुश डाउन ऑटोमेटा की। आपको बहुत सारी चीजें इसकी रिलेटिव लग रही होंगी अपने एफए से, जानी पहचानी शक्ल है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी बिल्कुल वही वाली बात है, कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही होंगी जो आपने एफए के अंदर कभी भी नहीं देखी। तो ये क्या काम कर रहा है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि पुश डाउन ऑटोमेटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो चीज ये होती है। नजर आ रही है आप लोग, देख पा रहे हैं कि इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? क्या सिमिलैरिटीज हैं एफए से, किस तरह आपको सिमिलर लग रहा है? इनिशियल स्टेज है, फाइनल है, स्टेजेस हैं, एजेस हैं, ठीक है। और डिफरेंट किस तरह लग रहा है? एक्सप्रेशंस जो बीच में ना वो वाले एज के ऊपर जो लेबल है वो जरा कॉम्प्लिकेटेड सा है। एप्सिलॉन तो बेटा आप कह रहे हैं हाँ ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन अगर हम एनएफए को देखें तो एनएफए के अंदर तो एप्सिलॉन होता ही, तो एप्सिलॉन हमें इतना नया नहीं लगना चाहिए। एप्सिलॉन ज्यादा ये जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर लिखा हुआ है एजेस के ऊपर, ये हमें थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो जरा डिटेल में देखते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा किन इंग्रेडिएंट से मिलके बना है। फॉर्मल डेफिनेशन, पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली सिक्स टपल डेफिनेशन है। अगर एक पुश डाउन ऑटोमेटा है तो उसके अंदर छह चीजें लाजमी होंगी। इसमें सबसे पहला क्या है, क्यू, क्यू किसको कहते हैं, सेट ऑफ स्टेट्स को कहते हैं। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है इसमें सेट ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स, ये बिल्कुल एफए वाली चीज है ये दोनों भी। अच्छा ये एक सिंबल है, इसको कहीं टाऊ लिखा हुआ है सिंबल का नाम, कहीं कैपिटल गामा लिखा हुआ है, तो मैं गामा ही बोल देती हूँ, ठीक है। बहरहाल ये मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता, दोनों दोनों नाम इसका, कहीं कोई टाऊ कह रहा है इसको, कोई इसको गामा कह रहा है। बहरहाल ये एक सिंबल है, और ये कौन से अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैक के अंदर आने वाले अल्फाबेट्स। स्टैक के अंदर आने वाले अल्फाबेट इनपुट वालों से सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं।
तो ये वो अल्फाबेट्स हैं जो इनपुट में है और ये वो अल्फाबेट्स हैं जो कि स्टैक में आ सकते हैं. ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन को एक मिनट बाद देख रही हूँ. इसके बाद हमारे पास है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट. ये बहुत सारी चीजें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6, ये चार टपल तो बिल्कुल सेम है आपकी एफ पे जैसी है. जो इसके अंदर डिफरेंस है वो है स्टैक अल्फाबेट्स का, और सबसे बड़ा डिफरेंस है ट्रांजिशन फंक्शन का. इसका ट्रांजिशन फंक्शन बड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है. ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या कह रहा है कि एक स्टेट होगी, उस स्टेट पे हम दो चीजों से डिसीजन लेंगे. एक एफए के केस में हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर सिर्फ एक चीज देखकर जाते थे, वो था इनपुट अल्फाबेट. अगर मैं एक स्टेट पे खड़ी हूँ और मैं एक इनपुट अल्फाबेट को देख रही हूँ तो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे दूसरी कौन सी स्टेट पर जाना है. यहां पर दूसरी स्टेट पर जाने के लिए मुझे दो चीजें देखनी पड़ेगी. एक मुझे देखना पड़ेगा अपना इनपुट अल्फाबेट और दूसरा मुझे देखना पड़ेगा स्टैक का अल्फाबेट. ये दोनों चीजें देखकर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे आगे से क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है. एग्जांपल के साथ देखते हैं एक एक करके. पहली टपल थी हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. तो ये आप देखते आ रहे हैं कोर्स के शुरू से, आपको पता है कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स क्यू सेट के अंदर क्या होगा. ये आई डोंट थिंक कि मुझे किसी को भी समझाने की जरूरत है. तो आपके पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर जो सबसे फ्रेंडली चीज आपको नजर आएगी वो है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. दूसरी चीज जो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर हो सकती है क्यू नॉट. क्यू नॉट यानी उन तमाम स्टेट्स में से एक इनिशियल स्टेट फॉर श्योर होगी. तीसरी चीज इसके अंदर फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट हो सकता है फाइनल स्टेट. हो सकता है फाइनल स्टेट एक हो सकता है फाइनल स्टेट दो हो, मल्टीपल भी हो सकती है. वो एक सेट जरूर होगा जिसके अंदर कौन सी स्टेट्स होंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स, फाइनल स्टेट. ये भी आपके लिए कोई नई चीज नहीं है. अच्छा, अब बात करते हैं इनपुट अल्फाबेट्स की. इनपुट अल्फाबेट्स आपने रेगुलर एक्सप्रेशन में भी देखे हैं, एफए के अंदर भी देखे हैं, मूर एंड मिली मशीन के अंदर भी देखे. यहां पर भी इनपुट अल्फाबेट होंगे, लेकिन इनपुट अल्फाबेट के बारे में थोड़ी सी वेरिएशन है. हमारे पास इनपुट अल्फाबेट के लिए इनपुट टेप होगी. ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें इनपुट नजर आएगा कि इनपुट टेप है. फॉर एग्जांपल अगर ए बी ए बी ए बी ए कोई स्ट्रिंग होगा तो ये स्ट्रिंग एफए में या रेगुलर एक्सप्रेशन में तो इस तरह लिखा होता था, लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर ये इस तरह नहीं लिखा होगा. इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी, ये हमें टेप के ऊपर. ये टेप एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रही है, मेन मेमोरी को या रैम को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, तो ये हमारी रैम की या मेमोरी की पोजिशन को दिखाएगी और इस टेप के ऊपर हमें अपना इनपुट अल्फाबेट्स नजर आएंगे. एक और खास समझने की बात यह है कि ये टेप आमतौर पर एफए के लिए या पीडीए के लिए इनफाइनाइट की तरह होगी ना. रैम के अंदर तो सारा डेटा पड़ा होता है, आपकी सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी वहीं काम कर रहा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी वहीं काम कर रहे होते हैं. तो ये टेप खत्म नहीं होती. हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इस इनपुट के बाद टेप के अंदर कुछ होगा नहीं. इस इनपुट के आगे मजीद दूसरे प्रोसेसेस पड़े होंगे. तो हम एक सिंबल ले लेते हैं, वो सिंबल आपकी पसंद का हो सकता है. डॉलर अक्सर बुक्स के अंदर डॉलर इस्तेमाल हुआ है, आपकी कोहेन की बुक के अंदर डेल्टा इस्तेमाल हुआ है. एक अल्फाबेट हम ले लेते हैं, वो अल्फाबेट हम दिखाते हैं एंड ऑफ इनपुट. जैसे कि अगर मेरा इनपुट ए बी ए बी ए बी है तो ये टेप के ऊपर मुझे ए बी ए बी ए बी, और जैसे ही इनपुट खत्म हुआ है तो टेप खत्म नहीं हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा सिंबल आ गया है. ये सिंबल मुझे बता देगा कि हमारा इनपुट कंज्यूम हो गया. तो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा कि जहां पर इनपुट खत्म हो जाएगा वहां पर टेप खत्म नहीं होगी, बल्कि टेप के ऊपर ये सिंबल अकर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर कर पा रही हूँ? कोई इस बात को रिपीट कर दे तो मुझे और तसल्ली हो जाएगी कि ये इनपुट टेप क्या चीज है. जिशान बताएंगे कुछ, इनपुट टेप आपको क्लियर हुई है? सईद, सईद रब्बानी मौजूद है, सईद रब्बानी आप बताएंगे इनपुट टेप का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? अरीज मौजूद है, अरीज कोई हैंड रेस करे, कोई थोड़ा सा वॉलंटियर करे. मैम मैं बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल बताएं. मैम आपने कहा कि मतलब इसमें इनपुट टेप में अल्फाबेट होते हैं, और जो आपने बताया कि ये ए बी ए बी ए बी है, ये मतलब ये टेप खत्म नहीं हो रही, उसके इनपुट खत्म हो रहे हैं और जो लास्ट में आएगा ना वो डॉलर साइन, ताकि मतलब उसको कंपाइलर या मतलब जो भी मतलब
अगर ये ऑटोमेटा के हिसाब से देखें तो मतलब उसको पता चलेगा कि ये यहाँ इनपुट एंड हुआ है। बिल्कुल, ये इनपुट जो है, ये इनपुट एक्चुअली हमें नजर आ रहा होगा टेप के ऊपर, हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो हमेशा एक टेप के ऊपर हर वक्त मौजूद होगा, और उस इनपुट टेप की हमें स्टार्टिंग नजर आ रही होगी, पॉइंटर के थ्रू हमें पता चल रहा होगा टेप स्टार्ट कहाँ से हो रही है, और टेप का एंड हमें पता चल रहा होगा एक सिंबल से, वो डॉलर हो सकता है, और ये टेप हमेशा इस्तेमाल करेंगे इनपुट के लिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं रिजवान, थैंक यू। अच्छा, ये हम बात करें इनपुट अल्फाबेट्स की, जो इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है। एक और वेरिएशन जो इसके अंदर है वो है स्टैक की, कि हमारे पास एक और सेट ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं अल्फाबेट्स। हो सकता है कि स्टैक अल्फाबेट्स भी ए बी हो, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका कोई फर्क नहीं है, सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके जो इनपुट अल्फाबेट हो वो ए बी सी डी हो और आपके स्टैक अल्फाबेट हो 1 2 3 4 हो, और ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि आपके स्टैक अल्फाबेट भी ए बी सी डी हो और आपके इनपुट अल्फाबेट भी ए बी सी डी हो। तो ये रिलेटिव है एक दूसरे से, ये हमारी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेगा। बहरहाल, क्योंकि स्टैक अल्फाबेट्स की अलग एग्जिस्टेंस है, उसको हम अलग सिंबल से देखते हैं, ठीक है। ये स्टैक अल्फाबेट्स हमारे पीडीए के अंदर अकर किस तरह होंगे, स्टैक के ऊपर अकर हो रहे होंगे। ये स्टैक आप डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में और दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर देख चुके हैं, तो हमारे पीडीए में ये स्टैक सिंबल जरूर होगा, ठीक है। ये स्टैक बता रहा होगा, स्टैक के साथ हमेशा एक पॉइंटर एसोसिएटेड होगा जो हमें बताएगा कि टॉप ऑफ द स्टैक कहाँ है, हम स्टैक के टॉप पर इस वक्त क्या है। जैसे कि इस सिंबल में आपको नजर आ रहा है कि स्टैक के टॉप पर क्या है, ये कोई स्टैक है तो इसके टॉप पे क्या है, सी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह समझते हैं कि स्टैक का टॉप। अच्छा, स्टैक का बॉटम भी कोई चीज होती है। स्टैक का बॉटम कुछ बुक्स के अंदर जेड या जेड नॉट से रेफर किया गया है, कुछ बुक के अंदर इसको भी डॉलर से रेफर किया है, तो इससे डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, हमें एक अल्फाबेट सिलेक्ट करना है, उसका काम ये होगा कि वो हमेशा स्टैक के बॉटम को रिप्रेजेंट करेगा कि स्टैक खाली है, ठीक है। तो कभी कभार स्टैक के बॉटम पे आपको जेड नॉट किसी बुक के अंदर नजर आ सकता है, किसी बुक के अंदर आपको डॉलर नजर आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये वाला स्टैक पूछूं कि इस स्टैक में स्टैक के टॉप पर क्या है, नल है मैम, नल है, डॉलर है, इसका मतलब है स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन हो कि बॉटम और टॉप एक ही जगह पर हो, तो इसका मतलब है कि स्टैक हमारा एम्प्टी। जी जी बिल्कुल सही है मैम, मतलब नल नहीं है, डॉलर है, डॉलर है, डॉलर है, एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर ये सिंबलाइज कर रहा है कि स्टैक एम्प्टी है। बिल्कुल मैम जी, ये स्टैक क्यों होता है पुश डाउन ऑटोमेटा में? जी जी, दूसरी मेमोरीज भी होती है ना हमारे, हीप या कोई और मेमोरी, स्टैक ही क्यों? स्टैक ही क्यों, ये सवाल बड़ा अच्छा है, और ये तो रिसर्च क्वेश्चन है कि स्टैक ही क्यों। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास आपको, मैं सच्ची बात तो ये है कि मेरे पास भी इसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन जस्टिफाई जो मैं कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ कि हम जो लॉजिक्स परफॉर्म करते हैं ना, उस लॉजिक में स्टैक ज्यादा सही काम करता है, ठीक है। आगे कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे, वो एग्जांपल जब काम करेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टैक ही ये काम कर सकता है। अगर आप उसको क्यू से रिप्लेस कर दें, या आप उसको लिंक लिस्ट से रिप्लेस कर दें, या किसी और मेमोरी फंक्शन से, तो वो काम परफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी आपसे कि हमेशा ये कोई, अगर आप रिसर्च के हवाले से सोच रहे हैं, आप कहें कि नहीं मुझे स्टैक नहीं पसंद, क्यू पसंद है, और आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यू के साथ ले आए, तो बिल्कुल हो सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि हमेशा, लेकिन क्योंकि हमारे ज्यादातर प्रॉब्लम स्टैक सॉल्व कर पाता है, एक प्रॉब्लम को अभी हम देखेंगे क्लास में, स्टैक से ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर, इस वजह से हम स्टैक को प्रेफरेबली यूज करते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि हम इसको यूं लें कि ये मेमोरी अल्फाबेट्स है, मेमोरी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंपाइलर के अंदर, ऑटोमेटा के अंदर ज्यादातर स्टैक्स ही इस्तेमाल होते हैं लॉजिक को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो बहरहाल ये स्टैक है और स्टैक के अल्फाबेट्स है। अच्छा, जब जाहिर है कि स्टैक होता है तो आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़कर आए, माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब स्टैक है तो स्टैक में पुश एंड पुल पॉप के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। स्टैक में कुछ पुश हो सकता है और स्टैक में कुछ पॉप हो सकता है। कोई भी अल्फाबेट है, फॉर एग्जांपल ए है, तो ये हमने स्टैक में पुश कर दिया है, तो स्टैक में पुश हो जाएगा तो वो स्टैक के अंदर चेंजिंग हमें नजर आ जाएगी, और स्टैक से चीजें पॉप भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त हमें, मुझे स्टैक के टॉप पे ए नजर आ रहा है तो पॉप हो जाएगा, तो वो स्टैक ऐसा हो जाएगा। तो जैसे आम स्टैक के अंदर पुश एंड पॉप के ऑपरेशन होते हैं, वैसे ही पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर भी पुश एंड पॉप के ऑपरेशन होते हैं।
बल्कि इसी वजह से इसको पुश डाउन ऑटोमेटा कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम स्टैक के अंदर चीजों को पुश कर रहे होते हैं, पॉप भी कर रहे होते हैं। अब ये भी सवाल हो सकते हैं कि पॉप डाउन ऑटोमेटा क्यों नहीं है, तो लेकिन ये है कि पुश डाउन ऑटोमेटा इसका स्टैक के रिफ्लेक्शन से ही नाम है। अच्छा, और देखते हैं आगे, ट्रांजिशन फंक्शन। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पुश डाउन ऑटोमेटा का, वो है इसका ट्रांजिशन फंक्शन। जो आप देख रहे थे कि पीडीए के ऊपर जो लेबल बना हुआ था, वो लेबल हमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, तो अब इस लेबल को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दो स्टेट्स हैं, ये तो आप एफए में डीएफए में भी देख चुके हैं कि एक स्टेट होती है और एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर हम किसी इनपुट पे जाते हैं। लेट सपोज अगर मैं ये हाइड कर दूं, वी टेंड्स टू सी, इसको छोड़ देते हैं और सिर्फ ये ए है, तो ये सिंपल एफ ए बन जाएगा ना, कि एफ ए के ऊपर ये हम एक स्टेट पर खड़े हैं और उस स्टेट पर जैसे ही हमें ए दिखेगा तो हम दूसरी स्टेट पर जा रहे हैं, ये तो आप जानते हैं। अब जब ये पीडीए है तो माइनर चेंज क्या है कि आपको सिर्फ ए को नहीं देखना, आपको अपने इनपुट को तो देखना ही देखना है, और ये इनपुट ए कहाँ मौजूद होगा, ये टेप पर मौजूद होगा, इसको तो देखना ही देखना है, मगर साथ में एक और सिंबल को देखना है। आपको ये भी देखना है कि आपके स्टैक के टॉप पर क्या है, ठीक है। आप सबसे पहले इनपुट कैरेक्टर को देखेंगे, देन आप स्टैक के टॉप के कैरेक्टर को देखेंगे, और देन आप कुछ स्टैक में पुश कर रहे होंगे। तो ये जो तीन यहाँ पर नोटेशंस लिखी हुई है, तीन नोटेशन किसको रेफर कर रही है, पहली नोटेशन रेफर कर रही है आपके इनपुट को, दूसरी नोटेशन रेफर कर रही है कि स्टैक के टॉप पे इस वक्त क्या है, और तीसरी नोटेशन रेफर कर रही है कि आप पुश या पॉप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि इन तीन चीज, ये तीन क्यों है। एफए के अंदर ये सिर्फ एक होती है क्योंकि हम सिर्फ इनपुट देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम तीन लेबल्स लिखते हैं, एक लेबल हमारा इनपुट होता है, दूसरा लेबल हमारा स्टैक का प्रीवियस टॉप होता है, और दूसरा हम ये बताते हैं कि स्टैक के ऊपर ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर, यहाँ तो जाहिर है कि दो अल्फाबेट ही होंगे, इनपुट में भी कोई अल्फाबेट होगा और स्टैक पे भी कोई अल्फाबेट होगा, लेकिन जहां तक बात है ये तीसरे वाले पार्ट की, इस तीसरे वाले पार्ट में कई ऑपरेशन हो सकते हैं, आपका जो स्टैक है वो कई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि पहला ऑपरेशन पॉप हो सकता है। ये पॉप ऑपरेशन किस तरह से काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि इनपुट पे ये देखें, ये Q नॉट Q1 पे लिखा हुआ है कि Q1 से Q2 पे कब जाना है, Q1 से Q2 पे जब जाना है कि जब इनपुट पे A हो, स्टैक के टॉप पर B हो। तो देखें, इनपुट में A है, ये मुझे एरो थोड़ा इधर कर देना चाहिए, इनपुट पे A है, स्टैक के टॉप पर B है, तो फिर अब करना क्या है, अगर इनपुट पे ए हो और स्टैक के टॉप पर बी हो तो हमें इस बी को रिप्लेस कर देना है लैम्डा से। तो हमने बी को हटा दिया और रिप्लेस किससे कर दिया, लैम्डा से, यानी कि अब उसको पॉप कर दिया। इस ये ऑपरेशन कहलाएगा पॉप। इस नोटेशन से हम पॉप को समझेंगे कि पहले स्टैक के टॉप पे बी था लेकिन अब नहीं है, इसका मतलब है कि हमने बी कहां गया, अब क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमने उसको पॉप कर दिया। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर हम पुश डाउन ऑटोमेटा में कैसे जाते हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर हम दो चीजों को देखकर जाएंगे। पहली चीज कि हमारी इनपुट टेप पे क्या है, ये हमारी इनपुट टेप है, इनपुट टेप पे ए है तो अगली स्टेट पर जाएंगे, अगर स्टैक के टॉप पर बी है तो अगली स्टेट पर जाएंगे। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम अगली स्टेट पर जाएंगे, और सिर्फ अगली स्टेट पर नहीं जाना है बल्कि स्टैक की पोजिशन में क्या चेंज आएगा वो हमें ये जगह बताएगी। और इस वक्त हमें ये बता रही है कि यहाँ से पॉप हो रहा है क्योंकि पहले स्टैक के टॉप पर बी था, अब नहीं है। मैम जी, इस पे मतलब टॉप पे बी होना लाजमी है, मतलब ये भी कंडीशन हम देखेंगे। मैं समझा रही हूँ, अभी तो हम पूरी एग्जांपल करेंगे, हमेशा लाजमी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो एजेस बनी हुई है ना, इन एजेस का मतलब समझा रही हूँ। आपका पीडीए इस तरह से होगा, अगर ए होगा तो कहीं और जा रहा होगा, बी होगा तो कहीं और जा रहा होगा, सी होगा तो कहीं और जा रहा होगा, लेकिन किसी एक एज से दूसरी एज पर जाने की कंडीशन को हम कैसे समझें। तो किसी एक पर्टिकुलर केस को मैं समझा रही हूँ कि अगर केस ये है, अगर आपके Q1 पे Q2, Q1 और Q2 के दरमियान एक एज है और उस एज के ऊपर ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम देखना चाह रहे हैं कि इनपुट पे A होना चाहिए, स्टैक पे B होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये Q1 से Q2 पर जाएगा, वरना ये Q1 पर ही रहेगा, ठीक है। तो पहली बात कि A और B पर, जी जी यही बात कि अगर ये A और B दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये Q2 पर जाएगा, पहली बात। लेकिन सिर्फ ये खाली Q2 पर जाएगा नहीं, बल्कि ये दो काम करेगा। दूसरा काम ये करेगा कि स्टैक की पोजीशन को भी चेंज कर देगा, अपनी स्टेक अपनी अपनी स्टेट को भी चेंज करेगा और अपने
स्टैक की पोजीशन को भी चेंज कर देगा। अब स्टैक के अगर प्रीवियस टॉप में बी था तो अब हमें नजर आ रहा है कि लैम्डा है, इसका मतलब है कि बी को पॉप कर दिया गया। ये एक केस है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो। एक और केस देखते हैं, एक और केस ये लिखा हुआ है यहाँ पे। लेट सपोज हम कह रहे हैं, इसको मैं याद रखती हूँ, Q1 से Q2 पर जाने की शर्त क्या है? Q1 से Q2 पर जाने की शर्त ये है कि इनपुट टेप पर A हो, स्टैक पे B हो टॉप पे। तो अगर ये दोनों बातें सही है तो Q1 से Q2 पर तो चले जाओ, मगर स्टैक पे B था तो अभी भी B रहेगा, ये स्किप मूव हो गया। ये भी हमें दिखाना पड़ेगा, यानी हमें दोनों बातें दिखानी पड़ती है कि हमारा रिजल्टेंट स्टेट क्या होगी और स्टैक अब कैसा होगा। तो ये हम स्टेट टू मूव की, हम Q1 से Q2 पर गए तो सही, मगर हमने स्टैक पर कोई चेंज नहीं किया। पहले भी बी था, अभी भी बी है, क्योंकि हमारी एज हमें बी रखने को कह रही है। अगर यहाँ लैम्डा होता तो मैं क्या करती, इस बी को पॉप कर देती, लेकिन क्योंकि बी पहले भी बी ही लिखा था, अभी भी बी लिखा है, इसका मतलब है कि इस मूव को हमें स्किप कर देना है, यहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। ठीक है एक, जी मैम, लेट सपोज हम मतलब ए कमा बी कर रहे हैं और हम स्टैक पे जो जहाँ पे बी लिखा हुआ है स्किप होके आया है ना। हाँ, तो मतलब कि अगर ऐसे लिखा है, मैं इसको इंटरप्रिटेशन समझा रही हूँ, अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब है स्किप करना है। नहीं मैम, फाइनली जब बी पे जा रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ वो सी पे चला जाए। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ उस पे, सी पे जाना है, सी पे जा नहीं सकता, ये स्टेट नहीं है। मैं आपको बात समझा रही हूँ कि एज पर किस किस तरह के मूव हो सकते हैं। एज पर पहला मूव ये हो सकता था कि स्टैक के टॉप पर एक सिंबल था और वो लैम्डा हो गया। अगर एक सिंबल था और लैम्डा हो गया, इसका मतलब आपने पॉप किया। दूसरा ये हो सकता है कि जो सिंबल था स्टैक के टॉप पर वही दोबारा है, तो इसका मतलब आपने स्किप किया। और तीसरा, जो अब आप सवाल पूछ रहे हैं, वो कुछ इस तरह का है। ऐसा हो सकता है, ये काम कब होगा कि लेट सपोज इनपुट टेप पर हमारा पड़ा हो ए, जो कि पड़ा है, और हमारा स्टैक के टॉप पे है बी। तो फिर एज के बाद क्या हो रहा है? एज के बाद एक तो हम Q2 पर जा रहे हैं, वो तो चले गए, लेकिन दूसरा हमने कहा कि बी किससे रिप्लेस हो जाए, बी रिप्लेस हो जाए बी सी से। इसका मतलब एक बी तो वहीं का वहीं है, लेकिन बी के बाद सी भी आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि पुराना टॉप जो था वो बी था, लेकिन अब बी सी हो गया, जो बी था वो बी सी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये पुश ऑपरेशन है, स्टैक पे पहले सी नहीं था, अब सी है। क्लियर है? ये रिप्रेजेंटेशन है पुश ऑपरेशन की। तो आपका MBC, जो पुश डाउन ऑटोमेटा है ना, उसके अंदर जितनी भी एजेस हैं, उन एजेस के अंदर पहला इनपुट होगा, दूसरा स्टैक का टॉप होगा, और तीसरा स्टैक के अंदर चेंज क्या आ रहा है वो हो। स्टैक के अंदर तीन चेंज आ सकते हैं, स्टैक में से कुछ पॉप हो सकता है, स्टैक का पोजीशन सेम टू सेम रह सकती है, और स्टैक पे कुछ पुश हो सकता है। अगर स्टैक पे कुछ पॉप हो रहा होगा तो पहले हमारा जो स्टैक का हेड होगा, टॉप होगा, वो कुछ और होगा और वो लैम्डा में कन्वर्ट हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि स्टैक के पहले टॉप पे बी था और अब नल हो गया, अब स्टैक का टॉप पॉप हो गया, चेंज हो गया। तो ये देखें कि पहले स्टैक की पोजिशन इस तरह से थी, लेकिन क्योंकि बी रिप्लेस हो गया लैम्डा से, तो अब स्टैक का टॉप चेंज हो गया। ये निशानी है किस चीज की? पॉप ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन में पॉप नहीं हो रहा होगा तो दूसरा ही हो सकता है कि कुछ भी ना हो रहा हो, बी को भी पॉप नहीं करना, कुछ पुश भी नहीं करना। तो इस ये रिप्रेजेंट कैसे होगा कि पहले भी बी होगा, बाद में भी बी होगा। लेकिन दूसरा ये कि हो सकता है कि कुछ पुश हो रहा हो, तो पुश होने का ये कंडीशन है कि बी है तो बी तो वहीं रहना चाहिए, तभी पता चलेगा ये पुश ऑपरेशन है। पहला इनपुट अल्फाबेट है, दूसरा स्टैक पे बी है, लेकिन स्टैक पे पहले सिर्फ बी था, अब बी सी है। इसका मतलब है कि पहले जहां पर बी है उस बी को रिप्लेस कर दो बी सी के साथ। समझा पाई हूं मैं? मैम, कैरेक्टर ए ही है ना स्टैक में, मतलब बी सी वो साथ ही होगा ना, बी सी मतलब रिप्लेस कर रहे हैं अगर बी को बी सी से, बी को बी और बी सी से। इसका ये अच्छा, ये एक और बात जो मुझे आपके सवाल से समझ में आई, आपको लग रहा है कि शायद इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे मैंने बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्टैक पे एक ही करेक्टर बी है। नहीं नहीं, ये नहीं, हम यहाँ पर हमेशा लिखेंगे स्टैक का टॉप, और यहाँ पर भी मतलब जिसको पॉइंट कर रहा है, जी स्टैक का टॉप हम देख रहे हैं। इनपुट भी तो आगे बहुत सारा होगा, हमारा इनपुट ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक वक्त में हम सिर्फ ए को देख रहे हैं ना। जिस तरह यहाँ पर हम आगे वाला सारा इग्नोर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर ए मिल जाए तो अगली स्टेट पर चले जाओ, आगे देखेंगे कि वहां पर क्या मिलता है। इसी तरह हम यहाँ पर स्टैक का नीचे के सारे जो सिंबल्स हैं उनको इग्नोर करेंगे और हम सिर्फ बात करेंगे कि इस वक्त स्टैक के टॉप पे क्या है। अगर स्टैक के टॉप पे बी है तो अब बी सी कर दो। ये ऐसे भी हो सकता था मगर इससे एम्बिग्युटी हो जाती, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, इवन आपको कुछ बुक पे ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा।
लेकिन इससे ये लगेगा, ये पता नहीं चलेगा कि बी पॉप हुआ या नहीं हुआ। इसका ये मतलब भी निकल सकता है कि बी को पॉप करके हमने सी डाला, बी को रिप्लेस कर दिया। इसलिए हम जरा क्लैरिटी के लिए ये काम करते हैं। अगर मैं सिर्फ ये बात एक ही है, मतलब जी मतलब सी लिखे या बी सी लिखे, बात एक ही है, बात एक ही है। लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है ना। इसका मतलब ये भी हो सकता था कि क्या बी को पॉप कर देना है और बी को रिप्लेस कर दें सी से, सी यहाँ पर आना था। इससे गलत फहमी हो सकती है, ठीक है ना। मैं कह रही हूँ कि स्टैक हमारा जो ए है वो इनपुट पे है और स्टैक का टॉप बी है, तो अब सी कर दो। तो इसका एक मतलब तो यही निकलता है जो आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि बी को हटा दो और सी कर दो। ये मैं कैसे समझाऊंगी? इस वजह से हम इस तरह के सिंबल को नहीं लिखते, हम हमेशा पुराना वाला बी भी साथ रखते हैं सी, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि ये क्या है, ये स्टैक का टॉप चेंज हुआ है। बेटा एक मिनट के लिए होल्ड करना पड़ेगा। हेलो जी, वालेकुम सलाम। नहीं, मैं अभी क्लास ले रही हूँ जी। 7 बजे खत्म। अल्लाह हाफिज़। ठीक, तो मैं समझा पाई हूँ बेटा? जी मैम। यस मैम। तो अब हमारे पास स्टैक के 3 ऑपरेशन हो गए। स्टैक पे से कुछ पुश हो सकता है, कुछ पॉप हो सकता है, या स्टैक वैसे का वैसा रह सकता है जैसे था। मैम, इनपुट जो टेप है उस पे भी मतलब जो हेड है वो आगे बढ़ेगा ना, जैसे वो मतलब आगे बढ़ेगा। ए पे था तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद अब वो आगे चला जाएगा। डेफिनेटली ये ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ठीक है, ये है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आई बिलीव कि ये हम समझ पाए। अच्छा, अब हमने देखा था कि एक लैंग्वेज होती है ए एन बी एन। बहुत क्लासिकल एग्जांपल है ये समझने के लिए कि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं। रेगुलर लैंग्वेज क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ना, वो काउंट नहीं कर सकता। उसके पास कोई मेमोरी नहीं है, वो ये बात याद नहीं रख सकता कि ए कितने थे। वो एक वक्त में एक इनपुट को देखता है और अगला एक्शन लेता है। इसके इस फीचर की वजह से हम एज को कभी काउंट नहीं कर पाएंगे। और जब हम एज को कभी काउंट नहीं कर पाएंगे तो हम ये आइडेंटिफाई एफ ए के केस में नहीं कर सकते कि एज और बीज बराबर थे या नहीं थे। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास मेमोरी है, हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा के पास ना सिर्फ स्टेट्स हैं, लेबल्स हैं, बल्कि इसके पास मेमोरी भी है, तो ये एज को काउंट कर सकता है। तो हमारा एक ऑटोमेटा ये आपके सामने बना हुआ है, पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसका काम क्या है, ये एक्चुअली क्या कर पा रहा है, ये एक्चुअली नंबर ऑफ एज और बीज को हमेशा इक्विवेलेंट रखने में और काउंट करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, ये अगर मैं एक साथ आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझाना। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको ओवरऑल देख लें। ये एक ऐसा पुश डाउन ऑटोमेटा है जो कि एक्सेप्ट करेगा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एज एंड बीज। ठीक है, अब की क्या है, पहले हमें लॉजिक समझनी है कि ये ऑटोमेटा बना कैसे। लॉजिक ये है कि सबसे पहले हमारे पास स्टैक है, उस स्टैक के अंदर हमें स्टोर करने हैं नंबर ऑफ एज। जितने भी ए यूजर देता जाए उतने एज हमें क्या करने हैं, स्टैक में स्टोर करते जाना है। लेकिन जब बी आए तो बी को स्टोर नहीं करना, बी को स्टोर करने से हमारा काम हल नहीं होगा। बी को स्टोर करने के बजाय हम हर एक बी को ऑलरेडी स्टोर्ड ए से कंपेयर करते जाएंगे। अगर कंपेरिजन सारे सक्सेसफुल हो गए तो हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट थे, या अगर कोई एक ए और एक बी कंपैरिजन से रह गया तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ नहीं थे। मतलब मैं वो एंड पे जो है मतलब फुली पॉप अप होना चाहिए सारे एज। हाँ, अगर स्टैक खाली हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो है नंबर ऑफ एज एंड बी बराबर है, अदरवाइज हम कहेंगे नहीं है। तो कैसे कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट को देखते हैं। ये इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट। जब स्टैक इनिशियल स्टेट पर होगा इसका मतलब है स्टैक की शक्ल क्या होनी चाहिए, स्टैक होना चाहिए खाली, और वो खाली इस तरह रिप्रेजेंट होगा। और इनपुट में कुछ भी रीड नहीं हुआ, ये बिल्कुल हमारी जो मशीन की इनिशियल स्टेट होगी। ये तो आपको समझना समझ में आ रहा होगा ना, ये मुझे शायद ज्यादा आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है। ये इनिशियल स्टेट के पे जिस वक्त होगा उसका मतलब है कि स्टैक भी खाली होगा और इनपुट पॉइंटर बिल्कुल पीछे पीछे होगा, और हमारा इनपुट टेप तो चलती रहेगी, लेकिन ये डॉलर मैंने यहाँ भी लगा दिया इस नोटेशन के लिए कि यहाँ पर हमारा इनपुट खत्म हो रहा है। आप चाहे तो एप्सिलॉन लगा दें, लैम्डा लगा दें, या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगा दें। अच्छा, तो अब है हमारा फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी ये मशीन, तो हम क्यू नॉट पर खड़े होंगे। इनपुट जो है वो रीड होना शुरू ही नहीं होगा, स्टैक होगा खाली। फिर सबसे पहली स्टेट पे हम क्या करें कि कुछ भी रीड ना करो,
कुछ भी पुश पॉप ना करो और कुछ भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करो और क्यू वन पे चले जाओ। तो इनपुट में हमने कुछ भी रीड नहीं किया। इस पूरी की पूरी लेबल का मतलब क्या है कि हमें इनपुट में से क्या रीड करना है, कुछ नहीं। हमें स्टैक के टॉप पर क्या देखना है, कुछ नहीं। और हमें स्टैक में पुश या पॉप क्या करना है, कुछ नहीं। तो ये फर्स्ट स्टेज पे हम सिर्फ और सिर्फ क्यू नॉट से क्यू वन पे मूव हो गए, ना हमने स्टेट पे कोई स्टैक पे कोई चेंज किया, ना इनपुट पे कोई चेंज आया। ये क्लियर है आपको कि इस एज की वजह से हम सीधे सीधे क्यू नॉट से क्यू वन पर आ जाएंगे, कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं होगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा यस मैम। अगला स्टेप देखते हैं। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम देखें कि इनपुट पे ए है और स्टैक खाली है, अगर इनपुट पे ए लिखा है, स्टैक खाली है, स्टैक में से कुछ भी रीड नहीं किया, तो क्या करो, पुश कर दो ए। अगर इनपुट पे ए है और ये जो लिखा हुआ, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, मतलब ये एरो के ऊपर, ये दो एजेस, जैसे हम ए कॉमा बी लिखते थे ना, एक एज के ऊपर ए पे भी सेकंड स्टेज पे चला जाए, बी पे भी, तो ये इस पे भी सेकंड स्टेज पे चला जाएगा और इस पर भी। इसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ ऊपर वाले को। अभी फिलहाल केस ये है, ये वाला केस इसलिए है क्योंकि हमें ए नजर आ रहा है इनपुट पर और स्टैक हमें खाली नजर आ रहा है। अगर स्टैक भरा हुआ होता तो हम ऊपर वाली ट्रांजिशन को देखते, लेकिन अभी हम उस पे जा ही नहीं रहे क्योंकि वो केस ही नहीं है हमारा। हमारा केस ये है कि हम इनपुट पे देख रहे हैं ए और स्टैक हमारा खाली पड़ा है। अगर ये दोनों बातें हों तो कौन सी स्टेट पे रहना है? ये लूप बता रहा है कि स्टेट चेंज नहीं करनी, इसी पे रहना है। स्टेट चेंज नहीं होगी, लेकिन स्टैक पे पुश कर दो ए, तो स्टैक की शक्ल कैसी हो जाएगी? स्टैक की शक्ल हो जाएगी ऐसी, ठीक है, कि इनपुट पे नजर आ रहा था ए, स्टैक के ऊपर आ गया ए। किसकी वजह से? इस वाली ट्रांजिशन की वजह से। फिर हम कह रहे हैं अगर इनपुट पे हो ए और स्टैक पे भी पड़ा हो ए, ये केस है हमारे पास। अगर इनपुट पे हो ए और स्टैक पे भी हो ए, अपनी स्टेट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, इसी स्टेट पे रहने, क्योंकि ये किस एज पे लिखा हुआ है, लूप पे लिखा हुआ है, हमें स्टेट नहीं चेंज करनी है और हम जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पुश करेंगे एक और ए। तो इस एज की वजह से एक और ए पुश हो जाएगा। क्लियर? ये स्टेट कह रही है कि जब तक हमें एज इनपुट मिलते रहे, दोनों का लुबे लुबाब ये है, ये कंक्लूड ये कर रहे हैं कि जब तक हमें ए मिलते रहे तब तक हमें ए को स्टैक पे पुश करते रहना है। अगर स्टैक खाली था तो भी ए पुश कर दो, अगर स्टैक पे पहले से ए पड़ा है तब भी ए पुश कर दो, और स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं। मैम ये स्किप कंडीशन थी ना हमने पढ़ी पीछे। जी बेटा, ए पे ये स्किप कंडीशन पढ़ी ना हमने, कि स्किप होगा पुश नहीं, ये स्किप कंडीशन है। ये कौन सी वाली कर रहे हैं ना वहां पे हम, चलें इसको यूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसको मैं आपको क्लैरिटी के लिए यूं कर देती हूँ, ठीक है। ए ए हम कहना ये चाह रहे हैं कि एक और ए रखना है, बात आप सही कह रहे हैं कि मुझे ऐसे डबल ए लिखना चाहिए था कि एक और ए, जब तक के स्टैक के टॉप पर ए है तो हमें ए ए वहां पर रिप्लेस कर देना है। क्लियर है? यस। तो अभी भी हम ये कह रहे हैं, तीसरी दफा भी हमें ए मिला, हमें यहां से भी ए इनपुट पे नजर आ रहा है और स्टैक के टॉप पे भी ए है, तो ए को रिप्लेस कर देंगे किससे? ए ए से। तो इससे इससे होगा क्या? इससे आपके स्टैक पे तीन एज आ जाएंगे और स्टेट अभी भी यही। जब तक एज मिलते रहेंगे स्टेट चेंज नहीं होगी, स्टेट यही रहेगी। स्टेट चेंज कब होगी? जब हमें पहली दफा बी मिलेगा। अगर यहाँ 100 एज मिलते रहेंगे तो हम इसी स्टेट पे खड़े रहेंगे, बस वो क्या होंगे, वो एज पॉप पुश होते रहेंगे स्टैक के अंदर। अब यहाँ पर सिचुएशन आई कि अगर बी मिले तो क्या करना है, बी मिले तो ये करना है कि आपको हम ये देखें कि बी होना चाहिए, कंडीशन क्या है अगली स्टेट पर जाने की, क्यू टू पे जाने की, कंडीशन ये है के इनपुट पे होना चाहिए बी, स्टैक के टॉप पे होना चाहिए ए। ये दोनों बातें हैं, हाँ जी, इनपुट के ऊपर बी है, स्टैक के टॉप पर ए है, तो अब ए को रिप्लेस कर दो इससे, यानी कि ए को कर दो पॉप और अगली स्टेट पर चले दो। ये क्लियर हो रहा है? तो इससे इस एज की वजह से क्या होगा कि हमें इनपुट पे मिला था बी और हमारे स्टैक के टॉप पर ए था, तो हमने रिप्लेस कर दिया, ए हो गया पॉप, स्टैक का टॉप हो गया चेंज, और हमारी स्टेट भी हो गई चेंज क्योंकि हम इधर से आए। लेकिन यहां हमने लूप बना दिया कि जब तक यही सेम केस रहे कि इनपुट पे मिलता रहे बी और स्टैक के टॉप पर मिलता रहे लैम्डा, तो आप कुछ ना करें, आप पॉप करते हैं।
ठीक है, तो ये पॉप करता रहेगा, इसको एक बी मिलेगा, फिर ये पॉप कर देगा, फिर इसको अगला बी मिलेगा, फिर पॉप कर देगा, ये पॉप होता जाएगा, ए पॉप होता जाएगा, और ये इसी स्टेट पर रहेगा जब तक के बी मिलता जा रहा है और ए पॉप होता जा रहा है। आखिरी स्टेट, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब आपके इनपुट पे कुछ नहीं होगा, इनपुट खाली हो चुका होगा, स्टैक भी खाली होगा, तो स्टैक को खाली ही छोड़ दो और एक्सेप्ट कर लो उस इनपुट को, ठीक है मैम जी। अगर यहाँ पे मतलब फोर्थ बी आ जाता फिर, तो फिर क्या होता? अगर यहाँ पर फोर्थ बी आ जाता, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। पहले आपको समझ में एक्सेप्टेंस की कंडीशन 100% समझ में आ गई? 100%। चलें तो हम एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम उस एग्जांपल को देखें, यहाँ पर आखिरी स्लाइड पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड इफ देयर इज अ कंप्यूटेशन सच दैट इनपुट इज कंज्यूम्ड एंड द लास्ट स्टेट इज एक्सेप्टिंग स्टेट। हम किसी स्ट्रिंग को कब कहेंगे कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया है, कि हमारा पूरा इनपुट कंज्यूम हो गया हो और हम फाइनल स्टेट पर हो। वी डोंट केयर अबाउट द स्टैक कॉन्टेंट्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टैक खाली हुआ है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्टैक में चीजें अभी पड़ी हों, लेकिन अगर आपका इनपुट खत्म हो गया, पूरा कंज्यूम हो गया और आप फाइनल स्टेट पे खड़े हैं, तो इसका मतलब है लैंग्वेज एक्सेप्ट हो गई है। स्टैक पे कुछ रह जाने से हम ये अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। हम आपने कहा कि यहां पर हम डॉलर नहीं लेते, यहां पर हम ले लेते हैं एक और बी, ठीक है। डॉलर आप खुद अज्यूम कर लीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। मैं एक और बी ले लेती हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ डॉलर मौजूद है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यही होगा कि स्टैक भी थोड़ा सा बना लूं। वैसे तो इसे खाली खाली हो चुका है ना वो? हाँ, हो तो चुका है, इस वक्त तो स्टैक खाली है। अब हम शुरू से ही करेंगे ना प्रोसेसिंग? शुरू से पहले ना करें ना, देखिए अभी यहाँ जो लास्ट है वो डॉलर पे खड़ा हुआ है। चले, तो यहाँ तक हमारा, हम ये कह रहे थे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस हिसाब से ये इसको पॉपअप वाली जो है कमांड मिल गई है ना, मतलब जो टॉप पे उसको पॉपअप कर दो। तीन पॉप तो करता तब तक ठीक था, लेकिन अब जब चौथा भी इसको मिलेगा, हम यही देख रहे हैं ना कि तीन बी तो पॉप करेगा स्टेट पर, यही रहेगा, लेकिन अगला भी बी मिल रहा है तो उसको इसी स्टेट पर रहना है, ठीक है। इसी स्टेट पर रहना है, बी है, लेकिन क्या स्टैक के टॉप पर ये है, तो ये होगा ही नहीं ना, ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। यही बात मुझे समझानी है आपको। इस किसी स्टेट पर भी नहीं जा पाएगा, इसको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, क्योंकि क्यू टू पे रहने के काबिल भी नहीं रहा। क्यू टू पर ये तब रह सकता था कि अगर यहां से तो बी मिल रहा था, लेकिन यहां भी एक ए होता, तो ये यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा कि इनपुट जो है अभी बाकी बचा हुआ है, लेकिन हम फाइनल स्टेट पर तो आए नहीं और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है जाने। तो ये एक्सेप्ट डेफिनेटली नहीं होगा। एक्सेप्ट तीन एज तक तो ये बिल्कुल था, क्योंकि तीसरे ए के बाद हमें लैम्डा ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती, लेकिन अब तो ना ये कंडीशन ट्रू है ना ये कंडीशन ट्रू है। ये बिल्कुल वो कंडीशन है कि लेट सपोज आपके पास कोई एफ ए होता, और एफ ए मैं बना दूंगी यहाँ पर, मेरे पास एक एफ ए होता, ठीक है, और वो एफ ए एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा रहा है, किस पे? फॉर एग्जांपल ए पे, ठीक है। और मैंने अब आपको इनपुट स्ट्रिंग क्या दे दिया है? मैंने आपको इनपुट स्ट्रिंग दे दिया सी। ये है आपका एफ ए, और लेट सपोज ये फाइनल स्टेट है। मैं रंग से इसको मेंशन कर देती हूँ, लेट सपोज ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब इसको समझ लें फिलहाल, ठीक है। अब ये स्टे एफ ए की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर जा सकते हैं ए पर, लेकिन इनपुट है सी, और मैं आपसे पूछूं कि ये एफ ए इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं? नो। कैसे आपको पता लगा? क्योंकि इनिशियल स्टेट पर हम खड़े हैं और सी के लिए हमारे पास कोई एज ही नहीं है, हम कहां जाएं? तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही केस यहां पर है, यही केस यहाँ पर है कि हम खड़े हुए, एजेस मेरे पास या तो इस स्टेट पर ये थी या ये थी,
कोई ऐसी एज होती अगर मेरे पास, अगर मैं इसको एक्सेप्ट कराना चाहती हूँ तो मुझे एक और स्टेट बनानी पड़ेगी, उस एज पे मुझे लिखना पड़ेगा बी और लैम्डा। अभी फिलहाल ऐसी कोई पोजीशन है ही नहीं ना, इसको एक्सेप्ट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? ये है ना कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लेट सपोज यहां पर कुछ ऐसा लिखा होता कि भाई स्टैक पे हो, इनपुट पे हो बी और स्टैक पे हो डॉलर, तो आप पुश कर दो ए या जो भी कोई भी ऑपरेशन लिखा होता और फिर ये इस पे जा रहा है क्यू थ्री पे। अगर ये एज यहाँ पर मौजूद होती तो ये इनपुट एक्सेप्ट हो जाता, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हाँ भाई अगर इस पोजीशन पर आप खड़े हैं, आपके इनपुट पे बी है और स्टैक पे लैम्डा है, स्टैक खाली है, तो आप कुछ भी पुश कर दें, पॉप कर दें और अपनी स्टेट चेंज कर लें, ये एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन इस वक्त ये केस है ही नहीं, ये एज हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो ये इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इनपुट हो गया रिजेक्ट। सही बात है, सही है। पुश डाउन ऑटोमेटा आप लोगों को क्लियर हुआ है? यस मैम। अच्छा मैम एक और चीज थी जी, ये तो क्लियर है जो आपने बताया, क्लियर है। लेकिन नंबर ऑफ इनपुट्स और वगैरह ए और बी जो है ये दोनों बराबर हो, ये दूसरी इनपुट भी तो हो सकती है ना, लाइक डबल ए हो गई फिर बी फिर ए आ गया, नहीं हो सकता है ना उसके लिए एफ ए। हाँ ये बिल्कुल, ये जो पीडीए बना है, ये पीडीए इस तरीके से बनाया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल में ए को और फिर बाद में बीस को एक्सेप्ट करेगा, ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज पहले आपसे एज मांगेगी और बाद में बीस मांगेगी। लेकिन आपको अगर ये बात एक्सेप्ट करानी है तो आप मुझे बताएं इसके अंदर क्या चेंज होगा। जैसे अभी हम रख रहे थे ना स्ट्रिंग, ऐसी वाली करनी पड़ेगी बीच में, जैसे लास्ट में आपने रखा कि ए आ गया तो ए को पुश करना है, ये लास्ट में ऐड होगा, ऐसा ही कुछ होगा थोड़ी, यहाँ पर भी होगा। नहीं ये तो सही है ना, ए करता जाए लेकिन अगर बी आए तो उसको पॉपअप करना है, और उसके लिए उसको सामने वाली कंडीशन ठीक है, लेकिन वहां पे आके अगर उसको फिर ए मिल गया। यहाँ पर अभी मेरे पास पाथ एक ही है, मुझे अगर ये बी वाला भी रखना है, तो बी की कंडीशन बनेगी ये कि आप ऐसा करते जाए कि आपको बी मिले, जब तक आपको बीज मिलते रहे आप बीज को ऐड करते जाए, और फिर उस वाले केस में आपको पॉप क्या कराने पड़ेंगे, आपको एज पॉप कराने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेट यहाँ रखे, एक बात मैं थोड़ी समझाने की कोशिश करती हूँ, इनिशियल स्टेट आपको यहाँ रखनी है, यहाँ से दो एजेस निकल सकती है कंट्रोल से, अब अगर पहला ए मिल रहा है तो हम इस डायरेक्शन में चले जाते थे, ये एफ एम एम ने किया हुआ काम, अगर ए मिल रहा है तो हम इस डायरेक्शन में चले जाते थे, पहला लेटर ए है, और अगर पहला लेटर बी है तो हम दूसरी डायरेक्शन में चले जाते थे, लेट सपोज कि यहाँ बी आ गया तो हम जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चले जाते थे। तो यहाँ पर भी आपको यही करना पड़ेगा कि आपको दो पाथवे बनाने पड़ेंगे, एक पाथवे जो ए के हिसाब से काम कर रहा है और आपको फाइनल स्टेट पर पहुंचा रहा है, और दूसरा पाथवे जो आपके लिए बी के हिसाब से काम कर रहा है और आपको फाइनल स्टेट पर पहुंचा रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यकीनन थोड़ा बहुत अभी क्लियर होगा, नया टॉपिक है, मैंने आप लोगों के लिए एक काम और किया है। मैं तो आपको जैसा तैसा पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन एक ट्यूटोरियल मैंने आपके लिए रख दिया है, ऑल्दो कि ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है और इसको आप जरूर पढ़ें, लेकिन इसमें से बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, एडवांस क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनल लर्निंग के लिए मैंने क्या कर दिया है, एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल रख दिया है, ये तकरीबन 30-40 मिनट्स की एक वीडियो है, और इसमें एक टीचर जो है वो वाइट बोर्ड पर आपको समझा रहे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं समझा पाई हूँ, जो मुझसे रह गए हैं, वो आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक दफा, एक तो ये लेक्चर मैंने यहाँ पर LMS पर अपलोड कर दिया है, दूसरा आप ये पढ़ लीजिएगा। एक तीसरा काम जो मुझे जाने से पहले बताना है, आपको जरूर करना है, वो तीसरा काम ये है कि ये मैंने आपको किसी जमाने में एक सॉफ्टवेयर बताया था कि इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लें, ये जब आप इस लिंक पर जाएंगे बेसिकली तो यहाँ पे आपको जार फाइल मिलेगी, इस जार फाइल को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अभी मैं आपके सामने ही कर देती हूँ,
ये इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, और जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक एनवायरनमेंट खुलेगा ये, इसमें आप एफए भी बना सकते हैं, ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा यहाँ से सिलेक्ट करें और आप पुश डाउन ऑटोमेटा, मुझे ये वाला जो अभी अभी आपके स्क्रीन पर मौजूद है ना, एक पुश डाउन ऑटोमेटा आप बनाएंगे और वो फाइल मुझे शेयर कर देंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि टूल आपने यूज कर लिया है। इस बात की ये मुझे रिसीट मिल जाएगी कि आपने ये टूल यूज किया है। तो इस टूल को एक दफा बेटा यूज जरूर करना है। ये आपकी आज की असाइनमेंट है कि उठने से पहले आपको ये पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो बनाना है। इसका ये रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी मैनुअल रखा हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा कुछ तो आप इस मैनुअल से देख लीजिएगा, वरना इसका भी मैंने छोटा सा ट्यूटोरियल लग दिया है कि आप जे फ्लैप में पीडीए कैसे क्रिएट करते हैं। ये दोनों ट्यूटोरियल आपकी मदद करेंगे। एक छोटी सी फाइल है, डाउनलोड करने से वो सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, जे फ्लैप नाम का। ये बड़ा काम का सॉफ्टवेयर है, इससे आपको हाथ से चीजें बनानी नहीं पड़ती हैं, बल्कि आप जो है वो टूल के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का काम है कि आपको ये ट्यूटोरियल देखकर एक पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है। इसको बनाने से ये फायदा होगा कि टूल पे भी आपका हैंड ऑन हो जाएगा और पुश डाउन ऑटोमेटा की वर्किंग भी आपको समझ आ जाएगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है मैम? क्लियर है सब? सेशन को कंक्लूड कर सकते हैं मेरी पॉइंट जाने से पहले पहले? अच्छा मैम, यूनिवर्सिटी में आप? जी जी, मैं यूनिवर्सिटी से ही देती हूँ क्लास। जी मैम, भले ही कंक्लूड कर लें। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो फिर इंशाल्लाह, जैसे आज की क्लास में हमने लास्ट सीएलएफ के इश्यूज को डिस्कस किया, इसी तरह अगली क्लास में हमारा एजेंडा होगा। अगली क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, उस क्लास का हमारा एजेंडा होगा ट्यूरिंग मशीन। लेकिन आप उसमें जो है कुछ और भी पूछ सकते हैं, जो पुश डाउन ऑटोमेटा का क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। जी जीशान मैम, क्विज के हिसाब से पूछ रहा था, जो कमिंग है वो उस हिसाब से, वो इसमें से होगा ना जो अभी आज पढ़ा? जी जी, बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लूंगी छोटे छोटे पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। बिल्कुल, ओके मैम, ओके। ठीक है, तो फिलहाल जो अगला सैटरडे वाला क्विज होगा ऑटोमेटा के हवाले से होगा, और जो नेक्स्ट सैटरडे क्विज होगा वो आपका ओवरऑल कोर्स के हवाले से होगा, और नेक्स्ट सैटरडे की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी। इसलिए जो भी आपको पूरे कोर्स में क्यूरीज हो, कंफ्यूजन हो, वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। और पढ़ना है हमें ट्यूरिंग मशीन, आप खुद से पढ़कर आ जाएंगे तो हमारी डिस्कशन और आसान हो जाएगी। ठीक है जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड। यू टू मैम।